तो यार किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई को स्टार्ट करने के पहले सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि अपने लोग उस सब्जेक्ट को जाने, अपने लोग अपने सिलेबस को जाने, ये जाने कि उस सब्जेक्ट में अपने लोगों को पढ़ना क्या है। तो देखो आज तक जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, मे बी मैथ्स पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, उस सब्जेक्ट के बारे में एक ओवरऑल आइडिया तो आप लोगों को पहले से था कि उस सब्जेक्ट में क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बस उसी का एक एडवांस वर्जन अभी तक आप लोग पढ़ते हैं, सिक्स में जो पढ़े उसका एडवांस वर्जन, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में पढ़ा। बट ये जो अकाउंटेंसी नाम का सब्जेक्ट है, ये एक बहुत नया सब्जेक्ट है आप सबके लिए। आप लोग ने टेंथ पास किया और कॉमर्स स्ट्रीम चुना और पता चला कि एक अकाउंट्स नाम का भी कोई सब्जेक्ट होता है, या फिर कभी भैया दीदी कोई घर में रहे हो तो उनको आपने पढ़ते देखा था ये सब्जेक्ट। तो आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा एनालिसिस करने वाले, अपने लोग पूरा का पूरा एक डिस्कशन करने वाले, समझने वाले हैं कि अपने लोगों को इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिस इज केशव देवरा, यू आर वॉचिंग कॉमर्स कक्षा, लेट्स बिगिन। तो देखिए अपने क्लास 12th का अकाउंट्स जो है, या अकाउंटेंसी जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। हालांकि एक प्रोजेक्ट वर्क का भी सेगमेंट है जो कि मैं डिस्कस करूंगा बाद में, बट बेसिकली अगर आपको पढ़ना क्या है ये मैं देखूँ, जैसे ये एक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस किस एंगल से या किस किस चैप्टर से, किस किस हेड से क्या क्या चीज़ें पूछेंगी, कितने कितने मार्क्स की पूछेंगी। तो बेसिकली मैं अगर डिस्कशन करूँ तो ये अकाउंटेंसी आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। 80 मार्क्स का तो आपका इसमें एग्जाम होगा और 20 मार्क्स का इसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना रहता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। तो ये एक अपना सेपरेट डिस्कशन है जिसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दूंगा कि आपको प्रोजेक्ट वर्क में कैसे क्या करना होता है। बट अगर इस पे अपन सोचे कि अपने को पढ़ना क्या है, तो इसमें दो हिस्से हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट टू। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन में अगेन अपने को दो चीज़ें पढ़नी है ब्रॉडली। पहला तो अपन को थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ना है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब हुआ कि अकाउंटिंग से रिलेटेड पहले कि अपन थ्योरी एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। एक्चुअली में अकाउंट्स जो है वो एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बोर्ड्स में जो क्वेश्चन भी आते हैं वो भी मेजॉरली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड या प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आते हैं, जिसमें अपन को अकाउंट, जिसमें अपने को मैथ्स की तरह क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, क्वेश्चन का आंसर लाना रहता है। बट ओवरऑल अकाउंटेंसी जो है वो किसी ना किसी नियम कानून पर चलता है। तो उस रूल्स को पढ़ेंगे अपन, उस थ्योरीज को पढ़ेंगे कि किन किन थ्योरीज पे अकाउंट्स काम करता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या कन्वेंशंस हैं, क्या क्या रूल्स हैं जो अपन को फॉलो करना रहता है अकाउंट्स बनाते समय में। तो ये चीज़ अपन पढ़ेंगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बहुत सारी जगह पे टीचर्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाली चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इनफैक्ट जब मैं अपने स्कूल में था तो मेरे स्कूल में भी जो मेरे सर थे वो काफ़ी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाते थे, तो वो थ्योरी पढ़ाते ही नहीं थे। बट जैसे जैसे मैंने हायर स्टडीज परस्यू किया तो मेरे को ये समझ में आया कि इसके जितना इंपॉर्टेंट समझिए कि कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इससे एक पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में डेवलप होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या कारण है। कोई भी चीज़ अपन कर रहे हैं, कोई ट्रांजेक्शन की कुछ अकाउंटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ अपन इसमें पढ़ेंगे। अपन बहुत सारे कन्वेंशंस, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद अपन पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। एक्चुअली अभी आपको पता नहीं है बट जैसे जैसे हमारा कोर्स फ्लो ऑन करेगा आपको समझ में आएगा कि अकाउंट्स जो है वो एक प्रोसेस है, या अकाउंटिंग जो है वो एक प्रक्रिया है। कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है वो एक सीक्वेंस में होता है और उस सीक्वेंस को रिकॉर्ड करने का एक सीक्वेंस होता है। जैसे कोई व्यक्ति आता है, वो पहले अपना ऑर्डर देता है, फिर अपन उसको माल भेजते हैं, तो कौन से पॉइंट पे अपने को एंट्री करनी है, क्या एंट्री करनी है, और बार बार एक साइकिल है अकाउंटिंग साइकिल जो अपने लोग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, लेजर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें अपन इसमें पढ़ेंगे। हो सकता है कि अभी जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में ना आए, बट ओवर द टाइम एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग इन सब चीज़ों का आपको डेवलप होगा और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। तो ये जो अपना था एक इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स बोल सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट वन जो है ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, जिसका टोटल वेटेज आपके पेपर में 52% है। 40 नंबर का अकाउंटिंग प्रोसेस से आपको क्वेश्चन आएगा और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से 12 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिल सकते हैं। तो ओवरऑल 52 मार्क्स का वेटेज हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट वन का है। मूव ऑन करें अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट टू पे, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट टू का टोटल वेटेज अगर देखा जाए तो 28 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप करना है और कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग का आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। अब देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? तो जो भी बिजनेस कंसर्न्स आप अपने आसपास में देखते हैं, जो कि एक कंपनी नहीं है, एक पार्टनरशिप फॉर्म, एक्चुअली जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक तरह का नहीं, बहुत सारे तरह का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है। आप अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं और आप अकेले उस बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं बिना किसी के हेल्प के, खुद ब खुद आप सबका मैनेज करने का सोच रहे हैं, तो
तो उस समय जिस फॉर्म ऑफ बिजनेस का अपने लोग एस्टैब्लिशमेंट करते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। और भी इसके अलावा भी अलग अलग तरह के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म, आप दो चार लोग मिलकर पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, आप कोई कंपनी बना के काम कर सकते हैं। तो वो जो पार्टनरशिप और कंपनी का डिस्कशन है वो अपने लोगों को 12th क्लास में पढ़ना है, 11th क्लास के कोर्स स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ना है। और ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा एडवांस अकाउंट्स जो है उसका बेस है, मतलब आप कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ेंगे या पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें ये वाला चीज़ जो है ये सब जगह आएगा। और ये बिल्कुल कॉमन चीज़ है, कॉमन पोर्शन है पूरे 12th के पोर्शन में, जितनी सारी जो जेनरिक चीज़ें हैं वो सब यहीं से निकल के आएंगी। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अपने लोगों को पढ़ना है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग दो एस्पेक्ट्स में या दो पर्सपेक्टिव के हिसाब से पढ़ना है, एक जब आपका जो सोल प्रोप्राइटर है वो कंप्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा हो और एक जब वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा हो। जनरली होता क्या है कि जो छोटे छोटे फॉर्म्स, छोटी छोटी दुकानें होती हैं वो लोग उतना ज़्यादा रिकॉर्ड्स मेंटेन करते नहीं हैं, तो जब उनके पास कम रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है तब अपने लोग उनका अकाउंट्स कैसे बना दे, ये अपने लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाले पोर्शन में। और पूरा का पूरा ये मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आता ही आता है, एकदम डैम श्योर क्वेश्चन आता है, एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है जिसमें अपने लोग को पीएल बैलेंस शीट सब चीज़ बनाना पड़ता है। अभी ये सब वर्ड्स आपको समझ में आए नहीं आए, धीरे धीरे ओवर द टाइम सब कुछ समझ में आएगा, इसीलिए आप बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। जो लास्ट सेगमेंट है वो हमारा कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग का है, जिसमें अपन कंप्यूटर का क्या रोल है वो पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हर मिनट हजारों हजार करोड़ों करोड़ ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ऐसी ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े फॉर्म्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं जहाँ पे हजारों हजार ट्रांजेक्शन पर मिनट हो रहा है, तो क्या मैनुअली उन सारे ट्रांजेक्शन को अकाउंट फॉर करना संभव है क्या? आप एक मिनट में अमेजोन से हजारों हजार लोग परचेस कर रहे हैं तो क्या मैनुअली उनकी अकाउंटिंग करना संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। तो कंप्यूटर्स का कितना बड़ा रोल है अकाउंटिंग में ये अपने लोग पढ़ते हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कंप्यूटर्स का, हालांकि फिर आगे के लेवल्स पे अपन इसका इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए अपन 8 मार्क्स का कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, तो देखिए टोटल इन टोटल 12 मार्क्स का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, 40 मार्क्स का अकाउंटिंग प्रोसेस विच इज इक्वल टू 52 मार्क्स, फिर 20 मार्क्स का यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, तो 52 मार्क्स यहाँ पे थे और 20 मार्क्स यहाँ पे आया, तो दिस इज 72 मार्क्स, और 8 मार्क्स का कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग विच इज 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट क्या है, क्या नहीं है, क्या रियलिटी है सीबीएसई की, ये सब चीज़ें अपन एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको बहुत सारा फायदा हुआ होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि अपने लोगों को क्या पढ़ना है और कैसे करके अपना कोर्स जो है वो आगे की ओर फ्लो ऑन करेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपके अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक बिग थम्स अप दीजिए वीडियो को, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं या मेरी टीम में से कोई भी मेंबर जरूर उस पर कुछ ना कुछ जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको सोल्यूशन करने का हम लोग कोशिश करेंगे। और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सकें और साथ में लोग ग्रो कर सकें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।